बच्चे, हमने लास्ट वीडियो में किया था आपका रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म क्लास चैप्टर की रीडिंग, ठीक है। क्लास 7th का ये चैप्टर था रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म, 10th चैप्टर है। इस चैप्टर की रीडिंग में अगर आपको किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। तभी हम करते हैं इस चैप्टर के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। तो बच्चे, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाई डज एन एथलीट ब्रीथ फास्टर एंड डीपर देन यूजुअल आफ्टर फिनिशिंग द रेस। जो एथलीट होता है वो ब्रीथ फास्ट क्यों करने लगता है, ठीक है, जब भी वो रेस फिनिश करता है। क्या होता है बच्चे, ड्यूरिंग द रन द डिमांड ऑफ एनर्जी इज हाई बट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एनर्जी इज लिमिटेड। तो क्या होता है, ऑक्सीजन की डिमांड हाई हो जाती है लेकिन सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन कम हो जाती है, ठीक है। एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है, ठीक है, लेकिन एनर्जी लिमिटेड होती है। देयर फोर एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन दी मसल सेल्स टू फुलफिल दी डिमांड ऑफ एनर्जी। तो एनारोबिक प्रोसेस होती है मसल्स में, ठीक है, तो वो एनर्जी की डिमांड को फुलफिल करता है। आफ्टर फिनिशिंग दी रेस, तो जब भी जो एथलीट होता है रेस फिनिश करता है तो उसकी ब्रीथ फास्ट हो जाती है और डीपर देन यूजल, सो दैट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन है, लिस्ट द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो आपको इन दोनों में, एरोबिक और एनारोबिक में, सिमिलैरिटीज बताने हैं और डिफरेंसेस। तो सिमिलैरिटीज क्या है, बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, तो दोनों जो है एनारोबिक और एरोबिक रेस्पिरेशन में फूड ब्रोकन डाउन टू रिलीज एनर्जी। फूड ब्रेक डाउन होता है, ब्रोक होता है तो एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। बोथ टेक्स प्लेस इनसाइड द सेल, दोनों इनसाइड द सेल होते हैं। बोथ प्रोडक्ट बाय प्रोड्यूसेस बाय प्रोडक्ट, दोनों के मतलब बाय प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, ठीक है। प्रोड्यूसेस बाय बाय प्रोडक्ट मतलब कुछ ना कुछ उसके सब प्रोडक्ट के साथ और प्रोडक्ट फॉर्म होता है, ठीक है। तो बच्चे अभी हम करते हैं डिफरेंसेस। तो डिफरेंसेस में फर्स्ट है आपका एरोबिक का डिफरेंसेस, इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक कहाँ पे होता है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है। एनारोबिक इट टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ये कहाँ पे होता है, जब भी ऑक्सीजन नहीं होती है, ठीक है। एरोबिक में ऑक्सीजन और एनारोबिक में एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये आपने अच्छे से याद करके रखना है, कन्फ्यूज नहीं होना। एरोबिक और एनारोबिक कन्फ्यूज करते हैं, लेकिन आपने नहीं होना, एरोबिक फॉर ऑक्सीजन, एनारोबिक फॉर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, क्योंकि एन लगा है, एन एब्सेंस, ऐसे याद कर लो। एनर्जी इज रिलीज इन हायर अमाउंट, तो एरोबिक में हायर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, तो एनारोबिक में लेसर अमाउंट ऑफ रिलीज होगी एनर्जी की, लेसर अमाउंट, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर फॉर्म्स आर प्रोड्यूस एज ए बाय प्रोडक्ट, तो कार्बन डाइऑक्साइड और इट इज स्लो प्रोसेस, इट इज फास्ट प्रोसेस। एग्जाम्पल एनिमल्स एंड प्लांट सेल्स, एग्जाम्पल ह्यूमन सेल्स, यीस्ट, बैक्टीरिया। ये डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको 5 मार्क्स में भी आ सकता है। तो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाई डू वी ऑफ्टन स्नीज विन इनहेल ए लॉट ऑफ डस्ट लैडन एयर। तो हमें शीक क्यों आती है, स्नीज क्यों होती है, जब भी हम डस्ट पार्टिकल्स बहुत सारे एयर में होते हैं, ठीक है, तो वी ऑफ्टन स्नीज व्हेन वी इनहेल ए लॉट ऑफ डस्ट लैडन एयर टू एक्सपेल आउट दीज फॉरिगन पार्टिकल्स। तो क्या होता है, एयर में बहुत ज़्यादा डस्ट होती है, ठीक है, एयर टू एक्सपेल, तो एयर उसको फॉरिगन पार्टिकल्स को एक्सपेल कर देती है। दीज पार्टिकल्स गेट पास दी हेयर इन दी नासल कैविटी, तो वो वाले सारे पार्टिकल्स नासल कैविटी में इंटर कर जाते हैं और हमें इरिटेट दी लाइनिंग ऑफ कैविटी विच रिजल्ट्स इज स्नीजिंग। तो हमें इरिटेशन होने लगती है जिसकी वजह से हमें स्नीजिंग होने लगती है, ठीक है। तो नेक्स्ट बच्चे, टेक 3 टेस्ट ट्यूब्स फिल ईच ऑफ देम विद वाटर। तो नेक्स्ट बच्चे फोर्थ क्वेश्चन है, आपने 3 टेस्ट ट्यूब लेने हैं, उस पर लेबल करना है ए बी सी, ठीक है। तो फर्स्ट में आपने स्नेल को डालना है, सेकंड में वाटर प्लांट को डालना है, ठीक है, और सी में कीप स्नेल एंड प्लांट बोथ, सी में दोनों को डालोगे।
विच टेस्ट ट्यूब वुड हैव द हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ CO2? तो इनमें से कौन सी टेस्ट ट्यूब की हाईएस्ट कंसंट्रेशन होगी CO2 की? आंसर फर्स्ट देखो, ए की हाईएस्ट होगी क्योंकि स्नेल क्या कर रहा है, विल टेक इन ऑक्सीजन. तो बी और सी में क्या है, वाटर प्लांट, जो वाटर प्लांट है वो सिंथेसाइज करेगा फूड को, हिंस देयर विल बी कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इन दीज. तो बी एंड सी में वाटर प्लांट है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करेगा, उसके लिए उसको CO2 चाहिए होती है, ठीक है, तो उसमें वो CO2 को ले लेगा और CO2 की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, तो ए में ज़्यादा होगी, ठीक है. तो नेक्स्ट बच्चे हमारा मल्टीपल क्वेश्चंस है, मल्टीपल क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं आपके. तो इन कॉकरोच एयर एंटर्स द बॉडी थ्रू, तो एयर में मतलब जो कॉकरोच होता है उसमें एयर एंटर कहाँ से करती है, मतलब फर्स्ट ऑप्शन है लंग्स, गिल्स, स्प्रिकल्स, स्किन. तो ऑप्शन हमारा कौन सा राइट है, स्प्रिकल्स, ठीक है. स्प्रिकल्स के थ्रू वहाँ पे जो उसकी होती है एयर एंटर करती है, उसके थ्रू वो ब्रीथ करता है. नेक्स्ट है ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज वी गेट क्रैम्प्स इन दी लेग ड्यू टू दी अकोमोलेशन ऑफ. तो जब भी हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो हमें हमारी लेग्स में क्रैम्प्स होते हैं, किसकी वजह से होते हैं, क्या इकट्ठा हो जाता है, अकोमोलेशन मीन मतलब इकट्ठा होना कोई भी चीज़, ठीक है. तो ऑप्शंस है कार्बन डाइऑक्साइड, लैक्टिक एसिड, अल्कोहल, वाटर, ठीक है. तो बच्चे कौन सी ऑप्शन राइट आएगी इसकी, लैक्टिक एसिड, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब भी हमारी बॉडी को हम एक्सरसाइज करते हैं बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की डिमांड होती है, ऑक्सीजन की डिमांड पूरी करने के लिए मसल्स ब्रेक होने लगते हैं और बहुत ज़्यादा लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है. लैक्टिक एसिड फॉर्म होने की वजह से हमें थकावट फील होती है, तो हम क्या करते हैं, हम रेस्ट करते हैं. जब भी हम रेस्ट करते हैं वो लैक्टिक एसिड हमारे लीवर में चला जाता है, तो हम पर्सन एट रेस्ट इज. तो नॉर्मल रेंज क्या होती है डर्ट पर्सन की, 9 to 12, 15 to 18, 21 to 24, 30 to 33. तो कितनी होती है ब्रीथिंग की अडल्ट पर्सन की, 15 to 18, ठीक है. तो बच्चे नेक्स्ट हमारा डी क्वेश्चन है, ड्यूरिंग एक्सहेलेशन द रिब्स. तो जब भी एक्सहेलेशन प्रोसेस होती है तो रिब्स क्या करती हैं, रिब्स की पोजीशन क्या होती है, मूव आउटवर्ड, मूव डाउनवर्ड, मूव अपवर्ड, डू नॉट मूव एट ऑल. तो कहाँ पर करती है, मूव डाउनवर्ड. तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द एटम्स इन कॉलम वन विद दोज इन कॉलम टू. तो नेक्स्ट है मैच द कॉलम करने हैं आपने, आपकी एनसीईआरटी बुक पे है, आप अपनी बुक निकाल सकते हो. फर्स्ट है जीस्ट, डायफ्रेम, स्किन, लीव्स, फिश, फ्रॉग. तो मतलब हमारी कॉलम सेकेंड की और है, अर्थवर्म, गिल्स, अल्कोहल, जीस्ट, चेस्ट कैविटी, स्टोमेटा, लंग्स एंड स्किन, ट्रैकिया. तो जीस्ट किससे मैच करेगा बच्चे, ऑप्शन में देखो तो जीस्ट थर्ड से मैच करेगा, अल्कोहल से, डायाफ्रेम, चेस्ट कैविटी से, स्किन किसके साथ मैच करेगा, अर्थवर्म के साथ मैच करेगा क्योंकि वो स्किन से सांस लेता है, लीव्स, स्टोमेटा के साथ, फिश बताओ बच्चे, गिल्स, फ्रॉग, लंग्स एंड स्किन. तो बच्चे ये देखो आंसर्स भी दिए गए, आप नोट डाउन कर सकते हो, मैं एक बार दोबारा बोल सक देती हूँ आपको, जीस्ट अल्कोहल के साथ, डायाफ्रेम, चेस्ट कैविटी, स्किन, अर्थवर्म, लीव, स्टोमेटा, फिश, गिल, एफ, फ्रॉग, लंग्स एंड स्किन. तो ये आपको इम्पोर्टेंट है, मार्क ट्रू इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड एफ इट इज फॉल्स. ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज द ब्रीथिंग रेट ऑफ पर्सन स्लो डाउन. तो बच्चे क्या हो जाता है, रेट फास्ट हो जाता हैवी एक्सरसाइज करने के लिए वजह से, तो क्या हो जाएगा ये फॉल्स. प्लांट्स कैरी आउट फोटोसिंथेसिस ओनली ड्यूरिंग द डे एंड रेस्पिरेशन ओनली एट नाइट. तो बच्चे ये गलत है क्योंकि प्लांट्स कैरी आउट फोटोसिंथेसिस गलत लिखा हुआ है, ठीक है. तो नेक्स्ट, फ्रॉग्स ब्रीद थ्रू देयर स्किन एज वेल एज देयर लंग्स. जो फ्रॉग्स होते हैं वो स्किन से भी अपना सांस लेते हैं और लंग्स से भी.
ठीक है, तो ये ट्रू है. द फिशेस हैव लंग्स फॉर रेस्पिरेशन, फिशेस के लंग्स होते हैं ठीक है रेस्पिरेशन के लिए. नहीं, हमने पढ़ा है ना चैप्टर में गिल्स के होते हैं, गिल्स होते हैं उनके. फॉल्स है. द साइज ऑफ द चेस्ट कैविटी इंक्रीज ड्यूरिंग इनहेलेशन, तो जो साइज होता है चेस्ट कैविटी का इंक्रीज होता है, हो जाता है ड्यूरिंग इनहेलेशन. तो बच्चे की ये क्या आएगा, ट्रू आएगा. तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के जो क्वेश्चंस रहते हैं वो करेंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे. तो अगर इस चैप्टर में अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो बच्चे. थैंक यू.